यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं संभव बनाते हैं। चलिए यही यकीन और उम्मीद के साथ हम नई साल की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है आज 31 दिसंबर 2020 इस साल का लास्ट डे है, तो एक नई शुरुआत की ओर हम बढ़ते हैं। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ सुबलक्ष्मी। आज का वीडियो है, चलिए हम 2020 साल को रिव्यू करते हैं आप और मैं मिलके। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज साल का आखिरी दिन, यानी पुरानी चीज़ों को, पुराने बातों को, पुराने मेमोरीज़ को हम चलिए रिव्यू करते हैं। जैसे कि हमें पता है पूरा 2020 जो साल है कोविड-19 की वजह से पूरा एक पेनफुल ईयर रहा, तो ना मेरे लिए ना आपके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंजिंग साल रहा। तो हमें कैसे नए साल को बेहतर बनाना है, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सफलता के साथ, एक नई कोशिश के साथ, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और चलिए पुराने जो सारे दुख मिले हैं हम सबको, उसको भुलाते हुए कुछ अच्छे पल को याद करते हैं, एक कुछ अच्छे मेमोरीज़ को हम शेयर करते हैं। और आप लोग भी 2020 के दौरान, जो साल के दौरान, क्या आपको खुशी मिली, कौन सी सफलता मिली, चाहे वो छोटी हो वो चाहे बड़ी हो, कौन सी मेमोरीज आपने शेयर की अपने फैमिली के साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। मैं आपको बताऊंगी कि कोविड-19 लॉकडाउन को छोड़कर 2020 जनवरी से लेकर दिसंबर लास्ट तक के अंदर मुझे क्या खुशी मिली, मेरे परिवार को क्या खुशी मिली, आज मैं उसके बारे में आपके साथ थोड़ा रिव्यू करूंगी या फिर आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे दो खुशी मिली, यानी मेरे परिवार को दो खुशी मिली इसी 2020 साल में। फर्स्ट है मेरी वेडिंग, जो कि 26 फरवरी में हुआ, और 26 फरवरी में मेरी शादी हुई। और फिर मैं ससुराल में कुछ जो रिचुअल्स होते हैं उसको ख़त्म करके मार्च में जाकर मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली पहुंची, तो इमीडिएटली लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। फिर हम लॉकडाउन में कहीं जा नहीं पाए, पर प्लानिंग हुआ था कि आफ्टर मैरिज हम थोड़ा नई जगह घूमेंगे, कुछ नए मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे। और हाँ, शादी को तो हमने अच्छे से इंजॉय किया, मेरी पूरी फैमिली इंजॉय किए और खुशी हुई। हाँ, थोड़ा दुख था कि अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, घर में शुभ काम होता है तो खुशी होती है सबको। फिर मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फिर करीब 6-7 महीना हम वहीं फंसे रह गए। और सिर्फ हम नहीं, जो भी जहाँ पे थे, जैसे कि मैं दिल्ली में फंस के रह गई, कहीं जा नहीं पाई। फिर मेरी भैया और भाभी कोलकाता में फंसे रह गए और वो भी कहीं नहीं जा पाए, और सब जो भी जहाँ पे है वो फंसे आए। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब खोना पड़ा, और फिनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात ही न बोला न जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग को अपनी इनकम सोर्सेज जो है वो खोना पड़ा, और कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने घर तक नहीं जा पाए। तो डेफिनेटली ये एक मतलब बहुत ही पेनफुल ईयर रहा, पेनफुल मोमेंट्स रहा सबके लिए। पर हम शुक्रगुजार हैं भगवान के पास कि चलिए जैसे भी हो वो हालात गुजर गए और अभी इस साल के हम लास्ट डे में आके पहुंच गए। हो सकता है ये जो दौरान आगे भी जारी रहे, पर हमें, जैसे मैंने बोला कि नई उम्मीद नई यकीन के साथ हमें नई शुरुआत करनी है। तो जैसे मैंने बोला कि मेरी वेडिंग था फर्स्ट, एक खुशी मिली घर को। फिर तो दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि July 14 को हमारे घर में एक नए मेहमान आए, मतलब मेरे भैया और भाभी उसी टाइम पे भी कोलकाता में थे, और भैया और भाभी को एक बेटा हुआ। और पर दुख की बात ये है कि जैसे प्रेगनेंसी में किसी की केयर किया जाता है, मतलब वो वहाँ फंसे रह गए तो हम फैमिली मेम्बर्स उनकी कोई भी केयर नहीं ले पाए, ना ही वो लोग आपके घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ रह पाए। तो चलिए जैसे भी हो, July 14 को एक गुड न्यूज़ मिला और एक बेटा हुआ मेरे भैया और भाभी को, और घर में सब खुशी हुए। और ऋषि वो है जिसको आपने देखा था दिवाली वीडियो में भी देखा था, और क्रिसमस वीडियो में भी मेरा छोटे सांता वो बने थे। और हाँ, पर वो फिर भी 2 महीने तक नहीं आ पाए, क्योंकि
कोई भी मतलब कम्युनिकेशंस नहीं, मतलब बस या ट्रेन कुछ भी नहीं चला था, तो वहीं पे वो रह गए। और चलिए धीरे धीरे जब गाड़ी वगैरह चला तो वो घर आए। फिर जैसे भी हो छोटी सी हो वेलकम किया गया कि घर में नन्हे से मेहमान आए, नन्हे से भगवान आए, और सब के मुंह में खुशी थी। और तो दूसरी गुड न्यूज़ ये है, तो पूरे साल में यही दो गुड न्यूज़ हमारे फैमिली को मिली, हमारे लिए यही बड़ी बात है। और फिर धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होती गई और फिर सब जॉब में जाने लगे। फिर अभी भी कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि खाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ही, चाहे बहुत छोटी रकम में इनकम हो या बड़ी तरह की हो, पर करना तो पड़ेगा ही। तो हमारे साथ तो यही अच्छी मोमेंट्स हुए, तो आपके साथ क्या, कौन से खुशी के पल आपने एंजॉय किए या फिर आपको कौन सी खुशी मिली, मुझे तो ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ नए साल आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत लाए, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सफलता की ओर आप लोग बढ़ें। और मेरी तो एक्सपेक्टेशंस हाई है कि जो मैंने 20 में 2020 में नहीं कर पाई, मैं नए साल में उसकी शुरुआत करूं कुछ। चलिए जैसे एक नई रिजोल्यूशन बनाते हैं ना सब, कि जो हमसे छूट गया हमें नए साल में क्या करना है, और मैं क्या क्या हम नहीं कर पाए उस क्या करेंगे, और कौन सी शुरुआत करेंगे, कौन से नए काम में हम हाथ डालेंगे। बस एक इसका एक रिजोल्यूशन बनाते हैं। मैंने तो बना लिया है अपना, और आप लोग भी बनाइए, और हो सके तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और बात भगवान के पास मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आशा करती 2000 हूँ आने वाला नया कल आपके लिए नई किरणों के साथ नई रंगोली बिखर दे, आपके लाइफ में लाए और नई खुशियाँ लाए, नई सौगात के साथ। इसी इसी बात पर वीडियो एंड करते हुए आप लोगों को एडवांस्ड हैप्पी न्यू ईयर, एन्जॉय योर न्यू डे, न्यू ईयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर फ्रेंड्स। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक तो करिएगा। और अगर एक एज यूजल फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर लेते हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कीजिए, अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, आराम से मेरे वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।